हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, वो भी गुड़ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 केजी गाजर ले लिया है। उसके आगे और पीछे के पोर्शन को कट करके निकाल देंगे और इसके हम छिलके भी निकाल देंगे। सारे ही गाजर के छिलके निकाल दें और इसे बहुत ही अच्छे से हम धो लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से धो लिया है। अब मैंने इसे किया है कद्दूकस, क्योंकि मुझे कद्दूकस किया हुआ ही गाजर का हलवा पसंद है। आप अपने तरीके से इसे बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गैस पे डाल दिया है। इसमें हम डाल देंगे घी। यहाँ फ्लेम को मैंने लो रखा है। अब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ गाजर ट्रांसफर कर देंगे। सारा ही डाल देना है हमें। और इसे हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम मीडियम हीट पे। अब हम इसे 5 से 6 मिनट अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा गाजर को हमें सॉफ्ट कर लेना है। अब देख सकते हैं गाजर हमारा हो गया है सॉफ्ट। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे दूध। दूध मैंने 3 कप जितना यूज किया है। जो मैं दूध यूज करती हूँ वह मैंने वही यहाँ पे यूज किया है। और अब हम इसे मिक्स कर देंगे और इसमें आने देंगे उबाल। तो यहाँ पे फ्लेम को मैंने हाई कर दिया ताकि इसमें उबाल आ गया। उबाल आने के बाद मैंने यहाँ पे गैस को कर दिया है लो। और लो हीट पे अब हम पूरी गाजर के हलवा को बनाने वाले हैं। तो बीच बीच में आपको बस चलाते रहना है ताकि हमारा दूध पूरी तरीके से रिड्यूस हो जाए। लो हीट पे काफी देर चलाने के बाद हमारा दूध पूरी तरीके से रिड्यूस हो चुका है। तो अब मैंने यहाँ पे गुड़ ऐड कर दिया है। जब पूरी तरीके से दूध आपका ड्राई हो जाए तभी आप गुड़ ऐड करें, नहीं तो आपका दूध फट सकता है। और आप जैसे ही गुड़ इसमें आप ऐड करेंगे, आप देख सकते हैं वो चीनी की तरह ही पानी रिलीज करता है, थोड़ा गीला हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे इलायची का पाउडर, मिक्स कर देंगे। और अब एक्स्ट्रा पानी जो आपको दिख रहा है वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाए तब तक हम इसे चलाने वाले हैं। यहाँ पे फ्लेम आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बस आपको इसी तरीके से चलाते रहना। और आप देख सकते हैं ये हो गया है अब ड्राई। जब तक ये पूरी तरीके से कढ़ाई ना छोड़ने लगे तब तक आपको इसे चलाना है। फ्लेम आप अपने हिसाब से अभी एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने लो टू मीडियम ही रखा है गैस की फ्लेम को। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारा हो गया है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ड्राई भी हो गया है। तो अब हम फ्रेंड्स इसमें ऐड करने वाले हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स बना के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन को गैस पे डाला है और इसमें हम ऐड कर देंगे घी। और यहाँ पे आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फिलहाल काजू और बादाम को डाला है चॉप करके। उसे हम थोड़ा चला लेंगे रेड होने तक। अब ये जब रेड हो जाए तो लास्ट में मैंने इसमें ऐड कर दिया है किशमिश। और इस किशमिश ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट हम और चला लेंगे। किशमिश हमारा जल्दी ही फूल जाता है, आप देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ से निकाल के इसे गाजर के हलवा में ट्रांसफर कर देंगे। अब इसे मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, मैंने चीनी के साथ भी गाजर का हलवा बनाने का तरीका बताया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप एक बार जरूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो जरूर टैप करें। धन्यवाद।